Good morning student today's our topic is measurement of capacity so what do you mean by capacity shamta okay so let's learn about capacity capacity is the quantity of any liquid which a container can hold capacity means quantity of any liquid 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 means water milk and oil these are liquids okay तो क्वांटिटी ऑफ एनी लिक्विड विच अ कंटेनर कैन होल्ड मीन्स एक कंटेनर जो एक कंटेनर होल्ड कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ओके मीन्स कोई भी लिक्विड लिक्विड जो एक कंटेनर होल्ड कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ओके फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कप एंड वी ड्रिंक वाटर मिल्क एंड टी इन दिस कप तो आप इस कप में आ, इस कप की कितनी कैपेसिटी होगी कि आप इसे फुल ऑफ फुल कर देते हैं ठीक है तो आप तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कप ओके अगर से हम एक्स्ट्रा मिल्क टी या वाटर हम इसमें फिल करते हैं तो वाटर पर ओवरफ्लो हो जाएगा मीन्स अगर से हम इसकी कैपेटिस कैपेसिटी से एक्स्ट्रा यदि हम ऐड करते हैं तो ओवरफ्लो होता है ठीक है तो कप की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें लिक्विड फिल करते हैं ओके वन मोर एग्जांपल, ग्लास ठीक है यस ग्लास इज बिगर देन कप मीन्स ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कप से ज़्यादा है तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी वाटर मिल्क या ऑयल को होल्ड करने की कप से ज़्यादा है ओके देन वन मोर एग्जाम्पल बॉटल ओके बॉटल में कोई भी लिक्विड जो है जस्ट लाइक वाटर मिल्क एंड ऑयल हम इसमें फील करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कप ग्लास से ज़्यादा है या आ, क, आ, कम है कि ज़्यादा है यस मोर देन कप एंड ग्लास तो अंडरस्टूड वॉट इज कैपेसिटी मीन्स कोई भी लिक्विड जो है की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है ओके okay? कि एक कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है ओके सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो अब हम उसकी जो कैपेसिटी है है ना तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं वी मेज़र कैपेसिटी इन लीटर्स एंड मिली लीटर्स तो लिक्विड की जो कैपेसिटी है हम लीटर या मिली लीटर में मेज़र करते हैं ओके सो फर्स्ट वन इज़ लीटर्स लार्जर quantities ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन लीटर्स अब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कोई लिक्विड चाहिए होता है जैसे कि मिल्क आपको टू लीटर्स चाहिए है ना थ्री लीटर्स फाइव लीटर्स ठीक है यानी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप किस में मेजर करेंगे आप उसे लीटर्स में ओके फॉर एग्जाम्पल अ बकेट कैन होल्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर सो इट इज इट इज़ यूज इन लीटर्स बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना तो इसमें जो लिक्विड रहेगा दैट इज वाटर तो इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी ठीक है तो दैट इज मेजर्ड इन लीटर्स ओके इन शॉर्ट वी राइट लीटर्स एज एल ओके देन मिली लीटर्स स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिली लीटर और यदि आपको स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए ठीक है तो वी मेजर्ड इन मिली लीटर्स सो इट इज यूज इन मिली लीटर्स फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास होल्ड्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अब बकेट बकेट में लार्जर क्वांटिटी होती है एंड ग्लास में उससे कम होती है ना ठीक है तो दैट इज मेजर्ड इन मिली लीटर ओके सो वन थाउजेंड मिली लीटर्स मेक वन लीटर तो वन लीटर के लिए हमें कितने मिली की जरूरत होगी वन थाउजेंड मिली लीटर्स ओके इन शॉर्ट वी राइट मिली लीटर्स एज एम एल ओके देन वन लीटर इक्वल टू 1000 ml means 1000 ml equal to 1 liter or 1 liter equal to 1000 ml understood